तो हेलो, एक बार फिर स्वागत है आपका यूनिक आई सेकेंडरी में गुलफाम अली राजी में। और ह्यूमन ब्लड की हम लोग बात कर रहे हैं, तो ह्यूमन ब्लड से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं जनरल नॉलेज में, चाहे वो यूपीएससी मेंस का हो या वनडे एग्ज़ाम हो, सारा कुछ एक साथ लेकर के चल रहे हैं। इसका हम लोग पार्ट वन बना चुके हैं, पार्ट वन आप लोग ज़रूर देखिए। अब पार्ट टू में हम चलेंगे। तो पार्ट वन में यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं जिसमें कि ब्लड है क्या, ब्लड का कंपोजिशन क्या है, ब्लड के अलग अलग जो कंपोनेंट्स हैं उनके क्या क्या फंक्शंस हैं, इन सब के बारे में हम लोग एक बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो जान चुके हैं। उससे आगे हम लोग चलेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे हीमोग्लोबिन से। अगर आप लोगों ने ना इसका अगर स्क्रीनशॉट अभी तक नहीं लिया है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि उसके बाद मैं फिर यहाँ तक इसको इरेज कर दूँगा, साफ कर दूँगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जाता हूँ। ठीक है, अब हीमोग्लोबिन एक्चुअली हीमोग्लोबिन को हीमोग्लोबिन नाम क्यों दिया गया? इसमें खास तरह का प्रोटीन है जिसका नाम है हीम, इसके अंदर हीम प्रोटीन होता है, इसीलिए इसको नाम दिया गया हीमोग्लोबिन। अच्छा, ये जो है पिगमेंट है। कीर्ति आप बताओ पिगमेंट क्या होता है? जैसे आपने आँख में काला काजल लगा रखा है तो इसने आपकी आँखों को बड़ा भी कर दिया और काला भी कर दिया है ना। जिन लोगों की आँखें छोटी छोटी होती है ना, वो काजल खूब लगाते हैं ताकि उनकी आँखें बड़ी बड़ी हो जाए। ठीक है, तो पिगमेंट माने वही, हिंदी में क्या कहते हैं पिगमेंट को? रंधक, वर्णक, वर्णक या रंजक है ना। उर उर उड़ उड़ बैठी रंग रजवा दुकनिया है ना, है कपड़ा की सगर रंग मोहली और कौन पिंजरे वाली मुनिया है ना। ओके, खैर, रंजक या वर्णक, और इसमें इंग्लिश में कहते हैं पिगमेंट। आप देखो ना, हमारी आंखों के नीचे काले काले धब्बे हो रहे हैं, ये पिगमेंटेशन हो रहा है। एक्चुअली उम्र के साथ साथ यहाँ पर काले धब्बे सभी के होते हैं, ये पिगमेंटेशन हो रहा है, ये वर्णक है ना। हमारी बॉडी में कुछ इस तरह के बायोकेमिकल डेवलप हो रहे हैं जिससे यहाँ का रंग जो है वो काला होता जा रहा है। ओके, उम्र की निशानियाँ, ये बढ़ती उम्र की निशानियाँ, वर्णक रंजक। तो हीमोग्लोबिन जो है हीम प्रोटीन भी है, बेसिकली ये प्रोटीन है, लेकिन ये वर्णक पिगमेंट या रंजक भी है। क्यों? ये ब्लड को देता है लाल रंग। एक्चुअली ब्लड जो होता है बैंगनी रंग का होता है, जैसे ऊपर आसमान आप देख रहे हैं ना अंतरिक्ष, वो काले रंग का है, उसका कोई रंग ही नहीं, काले रंग का है। लेकिन दिन की रोशनी में आप देखेंगे तो वो नीला दिखाई देता था। किस वजह से? सूर्य के प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से, लाइट की स्केटिंग की वजह से आपको आसमान नीला दिखाई देता है। उसी तरह से हमारा जो ब्लड है ना, मूल रूप से बैंगनी है, लेकिन हीमोग्लोबिन जब मिल जाता है ब्लड के साथ तो वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाया, वो चटक गुलाबी सा, चटक लाल सा रंग हो जाता है। ठीक है ना, जैसे कि सोनू भाई की जो जैकेट का जो रंग आप देख रहे हो ना, चटक लाल सा रंग, या इनके जो कैप है, लाओ दिखाओ कैप, दिखाओ, पता चल जाएगा नहा का आयो नहीं आयो, है ना, नहा का आयो नहीं आयो, आगे नहीं आयो, ये चटक लाल रंग। ठीक है ना, ओके लीजिए। तो चटक लाल रंग कौन देता है? कौन देता है ब्लड को चटक लाल रंग? कौन देता है? हीमोग्लोबिन। ठीक है ना, ब्लड के साथ मिलके क्या बनाया था? वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन, इसलिए उसको पिगमेंट भी कहते हैं। अच्छा, हीमोग्लोबिन जो है रक्षात्मक पदार्थ भी है, क्योंकि खास तरह का प्रोटीन है जो कि बहुत सारे रोगों से हमें लड़ने में सहायता देता, नंबर एक बात। नंबर दो बात जो है, हीमोग्लोबिन की खूबी यह है कि ये ऑक्सीजन को लपेट लेता अपने साथ, है ना। ब्लड में ऑक्सीजन जो एक से दूसरी जगह जा रही है वो हीमोग्लोबिन की वजह से ही है। अगर हीमोग्लोबिन ब्लड में ना होता तो ऑक्सीजन एक से दूसरी जगह ना जाती। हम सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन हमारे अंदर जा रही है, हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन चिपक जा रही है और उसी की वजह से ऑक्सीजन एक से दूसरी जगह पर जा रही है। हीमोग्लोबिन ब्लड के साथ मिलकर के ऑक्सीजन को ले जाता है शरीर के विभिन्न हिस्सों तक। उसके बाद जब सेल्स में भोजन पचता है, भाई भोजन गया सेल्स में, सेल्स में भोजन पचा, पचने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिक एसिड, यूरिया और भी बहुत सारे और टॉक्सिक एलिमेंट्स या ऐसे पदार्थ जो हमारे शरीर के लिए ज़रूरी नहीं है, जहरीले हैं या अनावश्यक हैं, या जो हमारे शरीर में अगर ज़्यादा हो गए तो उससे हमें तमाम तरह के रोग हो सकते हैं, उनको बाहर लेकर आता है कौन? हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में ट्रांसमिशन का या परिवहन का या संवहन का काम भी करता है। एक्चुअली ब्लड कहते हैं ना, ब्लड हमारे शरीर में संवहन का, ट्रांसमिशन का, परिवहन का काम करता है, एक से दूसरी जगह चीज़ों को ले जाने का काम करता है। एक्चुअली ये जो काम है वो हीमोग्लोबिन का है। ऑक्सीजन को ले जाएगा साथ में और वापसी में कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरे जो गैर जरूरी पदार्थ हैं उनको ले जाएगा। ये कहाँ जाएंगे? फेफड़े से होते हुए चले जाएंगे किडनी में, किडनी इनको छान के यूरिन के थ्रू बाहर कर देती है। बात समझ में आ रही है? सर आप नाराज़ तो नहीं होंगे कैप उतरवाने की वजह से? मैंने कहा नाराज़ हो गए यार, अगर नाराज हो गए तो एक बार और उतार दूँ। ठीक है, चले आगे, मैं भी उतार देता हूँ। ठीक है, मैंने भी उतार दी, अब बराबर हो गया। हाँ नहीं, डर लगता है यार कभी कोई नाराज ना हो जाए, है ना। ठीक है, हाँ चले साहब।
तो हीमोग्लोबिन जो है हीम प्रोटीन है और आरबीसी का मेन पार्ट है, ठीक है ना, रेड ब्लड कॉर्पल्स का ये मेन पार्ट है। ब्लड को लाल रंग देता है ये, ऑक्सीजन ले जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड को बाहर लेके आता है। लाइट गई, पावर कट हो गई थी, इसकी वजह से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया। कहाँ पर थे हम, अब यहाँ पर आ गया। मैं हीमोग्लोबिन की बात कर रहा था, तो ऑक्सीजन को ले जाता है साथ में और कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड को बाहर ले गया था। अब यहाँ पर मैंने लिखा सब घुटन, घुटन हो रही है, घुटन हो रही है। एक तो घुटन हमें डिप्रेशन की वजह से भी होती है, घुटन डिप्रेशन की वजह से भी होती है सर, डिप्रेशन की वजह से भी हमारा जो सर्कुलेशन सिस्टम गड़बड़ा जाता है, अजीब से घुटन जैसी होती है। अगर आपको घुटन जैसी हो रही है, आपकी बॉडी में, आपके ब्लड में ऑक्सीजन जो है वो कम है। अब यहाँ पर मैंने घुटन इसलिए लिखा है, जैसे आप लोग अक्सर सुनते होंगे ना कि भाई खबर आती है ना कि कमरे में चार लोग थे, अंगीठी जला करके सो गए और सुबह को उनकी डेथ हो गई। अब होता क्या है कि अगर आपने कमरे में हीटर चला दिया है या कोयले वाली अंगीठी, लकड़ी जला करके आप कमरे में सो गए, चारों तरफ से आपने बंद कर दिया, फ्रेश एयर यानी कि ताज़ा ऑक्सीजन कमरे के अंदर नहीं आ रही है। सर्दियों में होती हैं घटनाएं सर आमतौर पर, गर्मियों में तो हम खिड़कियां खोल के सोते हैं और अंगीठी जलाने का मतलब ही नहीं। सर्दियों में कमरे को गर्म रखने के लिए हमने अंगीठी जला ली या कोयला जला दिया। अब उस अंगीठी या कोयले से जो गैस निकल रही है, CO2 तो निकल ही रही है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी निकल रही है। अच्छा, ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ना, ये ऑक्सीजन की तुलना में ज़्यादा चिपकती है हीमोग्लोबिन से। ये कह सकते हैं हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन से ज़्यादा जो लाड़ प्यार है वो कार्बन मोनोऑक्साइड से है। अब होता क्या है कि आसपास सारी रास्ते आपने बंद कर दिए, ताज़ा ऑक्सीजन आनी बंद हो गई है, कमरे में थी ऑक्सीजन पर्याप्त तो थी, आप दो दिन सोते रहो कोई पता नहीं चलेगा आपको। लेकिन जब आपने कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज़ करनी शुरू कर दी, अंगीठी से कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जब रिलीज़ होनी शुरू हो गई और ताज़ा ऑक्सीजन आनी रही है, तो धीरे धीरे क्या हो रहा है कि हमारे ब्लड में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जा रही है। अब ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है हीमोग्लोबिन से चिपक गई। अब हीमोग्लोबिन, अच्छा मत देखो यार तुम को देखो है ना इतनी गौर से मत देखो यार है ना तो इतनी गौर से मत देखो। कार्बन सुनो इधर, कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा हो गई। अब मैं नहीं देख रहा था इधर को, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो हम आसिया से बात कर लेते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड ब्लड में ज़्यादा हो गई। अब हीमोग्लोबिन का काम क्या है, ऑक्सीजन को चिपकाना। अब हीमोग्लोबिन से कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा चिपकने लगी, तो जाहिर सी बात है ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा कम होने लगी, ऑक्सीजन कम चिपकने लगी। धीरे 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 ब्लड में ऑक्सीजन जब घटने लगी, जब ऑक्सीजन घटने लगी ना, तो अब ऑक्सीजन पर्याप्त नहीं मिल रही हमारे शरीर के प्रत्येक अंग को। धीरे 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 हमें बेहोशी होने लगती है और सुबह उठते हैं तो नाक से मुँह से खून बह रहा है और इंतकाल हो जाता है। और दो घंटे बाद मस्जिद में अनाउंसमेंट होता है कि एक ज़रूरी ऐलान समाअत फरवाइए, फला फला का फला फला हो गया और फला फला का फला फला ऐसा होगा। मस्जिद में जब टन टन बे टाइम ना, देखो एक तो 5 टाइम टन टन होती है अजान के लिए, बे टाइम जब टन टन होती है ना तो बड़ा डर लगता है भाई कौन गया, ठीक है। तो कभी भी ध्यान रखना, कितनी ठंड क्यों ना लगे कंबल ओढ़ लेना, लेकिन कोयला जला के कमरे में मत सोना कहीं भी है। पहाड़ों पे ये घटनाएं खूब होती हैं अक्सर, कभी कभी ऐसा भी हुआ है। हाँ अनीस भाई, अब आप देख सकते हैं मेरे को, अब मैं नॉर्मल हूँ। तो कई बार ऐसा हुआ, कुछ लोगों ने सुसाइड का एक तरीका अपनाया कि कार में AC चलाया और जहाँ भी बाहर से थोड़ी सी भी हवा आनी होती है ना, वो सारे रास्तों पे टेप लगा दिया, बंद कर दिए, AC चला के लेट गए उसमें, वो धीरे धीरे पूरा परिवार ही साफ हो गया। और कई बार अनजाने में भी ऐसा हुआ है, एक बार हरिद्वार में होता था जब रपटे होते थे यहाँ पर ना, रपटे समझ रहे ना, जब आप हरिद्वार से देहरादून की तरफ को जाते हैं ना, तो बहुत सारे बरसाती नाले हैं, अब तो सब पे पुल बन गए हैं। पहले जब उन पे पुल नहीं थे तो बारिश का पानी कभी भी आ जाता था, उन्हें रपटे कहते थे। तो एक दिन रात में पानी आया, तो एक कार वाला जो था उसने देखा यार पानी पता नहीं कब उतरेगा, उसने साइड में गाड़ी लगाई, परिवार भी था उसके साथ, वो AC चला करके सो गए, गर्मी के दिन थे, AC चला के सो गए, उनकी डेथ हो गई सुबह को इसी कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से। ओके, तो समझ गए ना। तो हीमोग्लोबिन जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड को ज़्यादा फ्रेंडशिप करता है। अब एनीमिया क्या है, एनीमिया में को शुद्ध हिंदी में कहते हैं रक्ताल्पता। भाई हमने प्री निकाल लिया, रक्ताल्पता रट लिया, हमें ये नहीं पता एनीमिया रक्ताल्पा है क्या, प्री निकाल लिया, मेंस में गए तो नीलबटे सन्नाटा हो गए। तो रक्ताल्पा माने रक्त अल्पता, यानी कि खून की कमी, एनीमिया। एक्चुअली खून की कमी का मतलब क्या है, कोई बताएगा मुझे आप में से। आपके ब्लड में अगर देखो आरबीसी का मेन कंपोनेंट है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन का मेन कंपोनेंट क्या है,
हाँ लोहा, आयरन। अच्छा हाँ, ये एक चीज़ मैंने और देखी कि पुरुषों में आयरन थोड़ा ज़्यादा होता है। पुरुषों में क्यों आयरन ज़्यादा होता है? क्योंकि पुरुषों में ब्लड ज़्यादा होता है। पुरुषों में ब्लड ज़्यादा है, इसका मतलब पुरुषों में हीमोग्लोबिन थोड़ा सा ज़्यादा है महिलाओं की तुलना में। हीमोग्लोबिन का मेन कंपोनेंट है आयरन, इसका मतलब पुरुषों में आयरन महिलाओं की तुलना में थोड़ा सा ज़्यादा है। इसीलिए पुरुषों का शरीर थोड़ा सख्त होता है, महिलाओं का जो शरीर है थोड़ा सॉफ्ट होता है। पुरुषों का जो शरीर होता है ना, थोड़ा सख्त होता है। आप एक पुरुष के मुक्का मारिए, एक महिला के मुक्का मारिए, है ना, पुरुष के जब आपको मुक्का मारेंगे तो आपके मुक्के को ज़्यादा चोट लगेगी। सच में ऐसा ना, पुरुषों में हीमोग्लोबिन जो है महिलाओं की तुलना में ज़्यादा होता है। हीमोग्लोबिन का मेन कंपोनेंट है आयरन। ओके समझ गए, इसीलिए पुरुषों का शरीर थोड़ा सा ज़्यादा सख्त होता है। अच्छा, हीमोग्लोबिन में होता है आयरन। ओके, अब अगर आपके शरीर में आयरन की कमी हो रही है किसी वजह से, आयरन कहाँ कहाँ मिल जाएगा आपको? मैं अभी पहले बताया ना, मेथी पुदीना पालक में खूब आयरन मिलेगा, कलेजी में, है ना, इनमें खूब, जो मांसाहारी हैं है ना, उसमें खूब आयरन मिलेगा। इसके अलावा अगर आप मूंगफली खा रहे हैं उसमें भी आयरन मिलेगा। अगर आप गेहूं खा रहे हैं भरपूर, गेहूं, चावल में आयरन की मात्रा बहुत कम होती है लेकिन गेहूं में आयरन खूब होता है ना, गेहूं अगर आप खा रहे हैं, गेहूं मक्का खा रहे हैं तो उसमें भरपूर आयरन होता है। लेकिन किसी वजह से अगर आपके शरीर में आयरन कम हो गया तो जाहिर सी बात है हीमोग्लोबिन की जो क्षमता है वो घट गई, है ना, हीमोग्लोबिन की क्षमता घट गई। ये आप ये कह सकते हो कि हीमोग्लोबिन कम हो गया। अच्छा, हीमोग्लोबिन जो है वो आरबीसी का मेन कंपोनेंट होता है। इसका मतलब आपके शरीर में आरबीसी कम हो गई, इसका मतलब आपके शरीर में ब्लड जो है वो कम हो गया। इसी को कहते हैं एनीमिया या रक्ताल्पता। अब इससे बचने के लिए, जब अगर आपको एनीमिया हो गया है तो डॉक्टर आपको आयरन की गोलियां तो देता है, साथ ही साथ फॉलिक एसिड की खुराक आपको देगा डॉक्टर। किससे बचने के लिए? एनीमिया से बचने के लिए, ठीक है। लेकिन अपने आप ही मत खाने लगा, यार आयरन चाहिए, खूब खून चाहिए, लाओ दवा के मूँगफली खा रहे हैं, है ना, अति हर चीज़ की बुरी होती है ना। फिर आयरन ज़्यादा हो जाएगा तो चेहरा निरा काला हो जाएगा, है ना, हाँ ठीक है। चलें सब, तो हीमोग्लोबिन जो है वो आपका रोगों से रक्षा भी करता है ना। तो कलेजी समझते हैं ना, कलेजी समझते हैं, लीवर या यकृत, है ना, कलेजा, हाय मेरा कलेजा फट गया, तो कलेजा वलेजा ना फटता है, वो तमाम तरह के हार्मोन निकलते हैं जिससे दुख होता है भाई, कलेजा फटता ना, कलेजा फट गया तो ऊपर यमराज से हाथ मिलाओगे सीधे जाके, ठीक है साहब। तो लीवर या कलेजी, जो लीवर का मांस होता है ना, तो जो मांसाहारी लोग हैं उसे कहते हैं कलेजी। ओके, तो कलेजी में आपको खूब सारा का सारा आपको आयरन मिलेगा। और हीमोग्लोबिन जो है वो रक्त परिवहन में भी काम आता है। क्यों? क्योंकि ये ब्लड कॉर्पल्स को एक से दूसरी जगह ले जाता है। बात आ गई समझ में? ठीक है भाई, अब किसने कुछ पूछना है? एक मिनट रोक देना भैया। चलिए अब बात करते हैं ब्लड सर्कुलेशन की। अच्छा, ब्लड सर्कुलेशन की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे ने। यहाँ कहीं लिखा होगा मैंने, विलियम हार्वे ने ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम की खोज की थी। ये सवाल खूब आता है। अच्छा, कभी कभी होता है ना, क्या, खैर आईएएस में तो नहीं होता, वन डे एग्जाम में हो जाता है कि आप पूरा ब्लड सिस्टम सारी की सारी जो दो घंटे का सेशन है हमारा पढ़ गए, अब पूछा क्या उसने, ब्लड सर्कुलेशन की खोज किसने की, ठीक है। तो आसान सवाल भी याद रखने चाहिए और सही भी होने चाहिए वो, है ना। तो देखिए, हमारा जो हार्ट है उसमें चार चैम्बर होते हैं, चैम्बर माने चार अलग अलग खाने। मतलब अगर टीचर शुरू में टीचर हिंदी मीडियम वाले बच्चे को, ग्रामीण पृष्ठभूमि वाले बच्चे को ये कहते हैं कि भाई चार खाने होते हैं, चैम्बर की जगह हृदय में चार कोष्ठ होते हैं, अब क्या पता नहीं चल रहा, अब चार खाने होते हैं, ठीक है ना, चार चैम्बर, चार खाने या चार कोष्ठ होते हैं, सभी को पता है हमारे हार्ट में चार चैम्बर होते हैं। तो चार चैम्बर होते हैं, चार ही वाल्व होते हैं हमारे हार्ट में चार ही वाल्व भी होते हैं, ठीक है। अब स्तनधारी, मैं फिर से बताऊं, जो बच्चों को जन्म देते हैं गर्भ से, मनुष्य और अन्य स्तनधारी पक्षी मगरमच्छ, इनमें जो होते हैं चार चैम्बर होते हैं, याद रखना। ये सवाल पूछता है, मनुष्यों में तो होते हैं, पक्षियों में, मगरमच्छ में चार चैम्बर होते हैं। पक्षी को उड़ना होता है भाई साहब, ज़्यादा काम करना पड़ता है, ठीक है, चार चैम्बर होते हैं, ध्यान रखना। पक्षी में, मगरमच्छ में और स्तनधारियों में, इंसान में चार चैम्बर होते हैं, और इसमें नीले का जो साइज़ होता है वो बड़ा होता है। नीले का साइज़ बड़ा क्यों होता है ये बताऊँगा आपको, यानी कि आलिंद का साइज छोटा होता है, नीले का साइज जो होता है वो बड़ा होता है, ठीक है। फेफड़े कितने होते हैं अंकित? दो होते हैं, ठीक है। दो होते हैं, ठीक है, ओके। अच्छा, अब तीन चैम्बर किस में होते हैं? तीन चैम्बर उभयचर, उभयचर समझते हैं, जो जमीन में और पानी में दोनों में रह सकते हैं, है ना, एम्फीबियस, है ना, उभयचर माने एम्फीबियस, जो जमीन में और पानी में दोनों जगह रह सकते हैं, जैसे कि मेंढक, सांप, और कौन है जो पानी और जमीन में दोनों जगह रहते हैं मेंढक और सांप के अलावा? हैं, कछुआ, यस कछुआ, है
है ना। इसी तरह की चीज़ें मेंढक, सांप, कछुआ जो पानी में भी रहेंगे और ज़मीन में भी रहेंगे उन्हें हम कहते हैं उभयचर। इनमें तीन चेमन होते हैं और सरीसृप, सरीसृप माने रेंगने वाले, वेरी गुड, जो सीने के बल या छाती के बल चलते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, उदग, है ना, जो छाती के बल रेंग कर चलते हैं उन्हें कहते हैं उदग। अरे मैडम आपको लिखा रखा है, क्यों लिखा, अच्छा उदग लिखा रखा है मैडम, हाँ। तो खैर उभयचर यानी कि मेंढक, सरीसृप यानी कि सांप, छिपकली जैसे, इनमें आपके इनके हार्ट में तीन चैम्बर होंगे। अच्छा तीन चैम्बर में दो आलिंद होंगे और एक निलय होगा, ऐसा करके होता है इनका हार्ट, ऐसे बना दो, यहाँ पर ऊपर दो आलिंद होंगे लेकिन निलय नीचे केवल एक होगा, निलय नीचे केवल एक होगा, दो आलिंद और एक निलय, ठीक है, ठीक हो रहा है सर, ठीक है। तो चार चैम्बर और तीन चैम्बर किसके शरीर में होते हैं मैंने आपको बता दिया, आगे चले। मछली जो है, मछली के शरीर में दो ही चैम्बर होते हैं, एक आलिंद और एक निलय, ठीक है, ऊपर आलिंद और नीचे निलय। मछली के शरीर में केवल दो चैम्बर होते हैं, एक आलिंद और एक निलय, ठीक है। अच्छा हार्ट में चार वाल्व होते हैं। अब ये जो सारी की सारी चीज़ें हैं मैं आपसे डिस्कस करूँगा इस फिगर को या इस इमेज को डिस्कशन करने के बाद। ये वीडियो कितने मिनट की हुई, 16 मिनट की हुई, चलिए अभी और बात कर लेते हैं इसमें। बल्कि एक काम करते हैं ना सर, इस चैम्बर, अब देखो हमारी बॉडी में ब्लड के काम क्या है, मैंने अभी पिछले पार्ट में आपको बताया भी था, हमारी बॉडी में ब्लड का सबसे मुख्य काम जो है वो संवहन या सर्कुलेशन, हिंदी में परिसंचरण, परिसंचरण का मतलब एक से दूसरी जगह जाना। ब्लड हमेशा घूमता रहता है, जिस दिन ब्लड ने घूमना बंद कर दिया मौत हो गई, है ना। तो ब्लड हमेशा एक से दूसरी जगह घूमता रहेगा, इसको हिंदी में कहते हैं संवहन या सर्कुलेशन या परिसंचरण। अब इस परिसंचरण में जो उपयोगी पदार्थ हैं ये शरीर के विभिन्न हिस्सों तक ये ले जाएगा, अलग अलग हिस्सों तक। उपयोगी पदार्थों में क्या है, ऑक्सीजन, इसके अलावा और तमाम तरह के विटामिन और खनिज लवण शरीर के हर सेल्स तक ले जाएगा। और उसके बाद जो अनुपयोगी पदार्थ हैं, अनुपयोगी पदार्थ कब बनते हैं, हम लोग खाना खाते हैं, है ना, खाना खाने के बाद हमारे शरीर में यूरिक एसिड भी बनता है, एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल भी बनता है, एक्स्ट्रा अमीनो एसिड्स भी बनते हैं, है ना, एक्स्ट्रा फैट भी बनती है। तो जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं उन्हें निकाल करके ये बाहर कर देता है, तो इसी को हम कहते हैं परिसरण या परिसंचरण या सर्कुलेशन या संवहन। उपयोगी चीज़ों को हमारे शरीर के हर हिस्से तक ले जाना और जो अनुपयोगी चीज़ें हैं, यूजलेस जो चीज़ें हैं या हार्मफुल चीज़ें हैं उन्हें निकाल करके बाहर कर देना, ये ब्लड का सबसे महत्वपूर्ण काम है। ओके ठीक है, ये सारा चीज़ें मैंने आपको लिख दिया। बहुत सारी गैसों को ले जाता है, बहुत सारे दूषित पदार्थों को बाहर निकालने में हेल्प करता है, सारी चीज़ें मैंने यहाँ लिख दी हैं, अलग से नोट्स बनाने की इसकी ज़रूरत नहीं है। अब जब तुम अपने शॉर्ट नोट्स बनाओगे ना तो ये सारी कहानी तुमने सुन ली, है ना, तुमने सिर्फ एक काम लिखना है, जैसे अब तुम जैसे मेंस के नोट्स बना रहे हो तुम, अब मैं तुम्हें अलग से मेंस मेंस नहीं पढ़ाऊंगा, मेंस पढ़ाऊंगा उसके भाई सब पैसे लूंगा, कितने कितने, इसलिए ध्यान से पढ़ लेना, हाँ इतने पैसे लूँगा अगर अलग से मेंस पढ़ोगे मुझसे, तो यही मेंस है आपका, अलग से मेंस में कुछ पढ़ाने की जरूरत ही नहीं है, ब्लड है ना, फंक्शन ऑफ ब्लड, जैसे आप उत्तराखंड या एमपी का मेंस में जाओगे तो उसने पांच नंबर में पूछ लिया रक्त के काम बताओ, तो यही काम है रक्त के, और कोई काम ही नहीं है, ठीक है ना, इतनी सी जगह देगा उसी में लिखवाएगा आपसे। तो बस संवहन लिख लो आप, बस एक हेडिंग क्या लिख लिया आपने, संवहन, यही शॉर्ट नोट्स होते हैं। इसके अलावा हीट, हमारी पूरी बॉडी की जो हीट मेंटेन रखता है वो ब्लड रखता है, पूरी बॉडी की हीट ब्लड मेंटेन रखता है, हमारे शरीर की ऊष्मा को ये मेंटेन रखेगा, ठीक है, ब्लड, ठीक है। आपको पता है कि हमारा जो दिल है वो एक मिनट में, जो स्वस्थ दिल है वो एक मिनट में 72 बार धड़कता है ना। अच्छा ये धड़कन क्या होती है, अभी जब मैं हार्ट के चैम्बर पढ़ाऊंगा ना तो ये धक 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 जो होता है ना, ये हमारे ये जो देख रहे हैं ना बायां नीले, इधर देख रहे हैं आप बाएं नीले से, फाइनली हमारे ब्लड में, फाइनली हार्ट से बॉडी को जो ब्लड पंप होता है वो होता है बाएं नीले से, अभी बताऊंगा मैं इसको, ठीक है। अब यहाँ पर एक बल्ब लगा हुआ है, ये यहाँ पर एक बल्ब लगा हुआ है जो इस नस से जुड़ा हुआ है, तो जब ये बाएं नीले जब कंप्रेस होता है या चिपकता है या दबता है, यानी कि किसके लिए, ब्लड को बाहर बॉडी में फेंकने के लिए, तो आवाज़ आती है, उस आवाज़ को कहते हैं लब डब। जब वो बल्ब खुलता है तो लब, और जब वो बंद होता है तो वो डब। उसी लब डब को डॉक्टर स्टेथोस्कोप से चेक करता है, स्टेथोस्कोप माने आला, अभी इसकी बाद में करेंगे, ठीक है। तो अभी यहीं पर है लब डब की साउंड, ये लब डब की साउंड क्या है, वही है हृदय की धड़कन, और ये जो धक 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 हृदय की जो साउंड है ना, ये हार्ट का, हार्ट के जो बाल्ब है ना उसका खुलना और बंद होना, खुलना और बंद होना। नॉर्मल है तो नॉर्मल पंपिंग हो रही है, धीरे है तो धीमे पंपिंग हो रही है, तेज़ है तो पंपिंग जो है वो तेज़ हो रही है, ठीक है।
तो एक मिनट में 72 बार स्वस्थ हृदय धड़कता है, और एक धड़कन में या एक बार जो आप जो देख रहे हैं ना, ये आपका बायां निलय, बायां निलय से एक बार जो ब्लड पंप होता है वो लगभग 70 ml होता है। हमारी बॉडी में लगभग 5 लीटर ब्लड होता है, तब एक साथ सारा 5 लीटर ब्लड पंप नहीं होता है, सारा ब्लड एक साथ 5 लीटर पंप नहीं होगा। 5 लीटर की कैन समझ रहे ना, इतना तो ऐसे करके फेंकेंगे वो पूरे तुम्हारे हॉल में फैल जाएगा, है ना। 5 लीटर कुछ क्वांटिटी होती है, तो एक बार में लगभग 70 ml के आसपास ब्लड पंप होता है, ठीक है। यही बताएंगे आगे चल के इसको। अच्छा, अब हमारी बॉडी में शिराएं भी होती हैं और धमनियां भी होती हैं। अब जैसे आप देख रहे हो चांद है, चांद के सामने, चांद के माथे पर एक नीली सी नस उभर के दिखाई दे रही है ना, नीली सी नस, चांद दिखाई दे रही है, हाँ दिखाई दे रही है। अच्छा, खैर मजाक की बात छोड़ते हैं, आप लोग अपने सब आप हाथ में देख सकते हैं, ऊपर आपको बारीक बारीक नसें देखो, ये स्पष्ट दिख रही है। सर देखना, जूम करना, तो दिख रही है नीली नसें, नीली नसें दिखाई दे रही है। ये नीली नसें, इन्हीं को हम कहते हैं सिराएं, वेंस। ये है शिरा या सिराएं या वेंस, जो नीली नसें आप देख रहे हो यही हैं सिराएं या वेंस। उभर रही हैं, ये उभार के दिखा दूं, ठीक है। सर सर ये देखना उभर रही हैं, ये जो नीली नसें आप देख रहे हो ना, इन्हें हम कहते हैं शिराएं। अभी यहाँ पर एक और दिखाएगा आपको, केशिकाएं या कैपिलरीज, वो भी नसें हैं। सर एक मिनट दिखाएंगे आप कैपिलरीज, ये सर देख रहे हैं बहुत ही बारीक नसें, नीली नीली इसमें दिख रही हैं सर मेरे हाथ में, यहाँ पर बहुत ही बारीक नसें, इन्हें हम कहते हैं कैपिलरीज या केशिकाएं। दिख रही हैं सर, बहुत कम दिख रही, खैर जो भी है आप लोग अपने हैंड हाथ में देखने की कोशिश करना। तो ऊपर ये जो उभरी हुई नसें हैं, ये हमारी जो स्टूडेंट है जो बिल्ली से बहुत डरती है, उसके उसकी बॉडी में आपको शिराएं नहीं दिखाई देंगी। क्यों दिखाई नहीं देंगी, आप लोग समझ गए हैं ना। हाँ, अब वो सुने तो लड़े ना कहीं, है ना, लड़ेगी तो देखा जाएगा। तो हमारी एक जो स्टूडेंट है जो बिल्ली से बहुत डरती है, उसके शरीर में आपको ना तो शिराएं दिखाई देंगी ना धमनियां दिखाई देंगी। क्यों नहीं दिखाई देंगी वो उससे ही पूछेंगे जब आएगी तो, ठीक है, ओके। तो ये जो ऊपर आप जो बारीक नसें देख रहे हो नीले रंग की, ये हैं शिराएं, और इनसे भी बहुत छोटी छोटी नसें जो हैं अंदर बॉडी में, उन्हें हम कहते हैं कैपिलरीज या केशिकाएं, ठीक है। अब जो मोटी नसें हैं, यहाँ पर जैसे डॉक्टर लगाता ना इंजेक्शन नस में, तो यहाँ पर एक मोटी सी नस होती है, और एक नस ये होती है गुरुजी, ये वाली नस, एक यहाँ पर पैर की नस होती है यहाँ पर, इन्हें हम कहते हैं धमनियाँ। तीन नसें होती हैं, ये मोटी नसें होती हैं जिन्हें कहते हैं हम धमनियाँ, ठीक है ना। धमनी को इंग्लिश में कहते हैं आर्टरी, बहुत सारी धमनियों को कहते हैं आर्टरीज, एक धमनी आर्टरी और बहुत सारी धमनियाँ आर्टरीज, और एक शिरा वेन और बहुत सारी शिराएं वेन्स कह देते हैं। तो शिराएं बारीक नसें और धमनियाँ मोटी नसें, क्लियर है। शिराएं बारीक नसें और धमनियाँ मोटी नसें। अब देखें जो शिराएं होती हैं बारीक होती हैं, मैंने लिखा है ये मोटी नसें होती हैं। अच्छा, शिराएं जो हैं पतली हैं और लचीली हैं, पतली और लचीली मतलब फ्लेक्सी लोचदार, है ना, पतली और लचीली हैं। ये मोटी हैं और इसकी दीवारें सख्त होती हैं, यानी कि बॉन्डी जो इसकी सख्त होती है धमनियों की, ठीक है। ये पतली लचीली दीवारों वाली, ये मोटी और सख्त दीवारों वाली, ये आपको स्किन में ही दिखाई दे जाएंगी शिराएं ऊपरी सतह पर, जैसे मैंने आपको दिखाई। और जो धमनियाँ हैं वो आपको अंदर धंसी हुई दिखाई देंगी, अंदर धंसी हुई, मांस के अंदर धंसी हुई होंगी धमनियाँ। वो क्यों होती मैं अभी बताता हूँ आपको। एक्चुअली होता क्या है कि ये जो शिराएं हैं इनमें बिना ऑक्सीजन वाला ब्लड बहता है, इसी को हम कहते हैं अशुद्ध रक्त। शिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है। अशुद्ध रक्त का मतलब ये है ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है, उसे हम कहते हैं वो बहता है शिराओं में, अशुद्ध रक्त बहता है। अच्छा, अशुद्ध रक्त इसमें फ्लो होता है। अशुद्ध रक्त का मतलब फिर से बता दूं, ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन नहीं है उसे हम अशुद्ध रक्त कहते हैं। वो किसमें बहता है, किसमें फ्लो होता है, शिराओं में, यानी कि वेंस में। अच्छा, इसमें जो ब्लड घूमता है ना शिराओं में या बारीक नसों में, इनको बारीक से रखा गया है, इन्हें ज़्यादा जानदार बनाने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें धीमी गति से और एक समान गति से, धीमी और एक समान गति से इसमें ब्लड बहता है शिराओं में। और धमनियों में जो ब्लड बहता है वो झटके के साथ बहता है, तेज गति ज़्यादा बहता है और झटके के साथ बहता है और तेज गति से बहता है। उसमें ज़्यादा झटके के साथ या तेज गति से क्यों बहता है उसकी बात मैं अभी बताऊंगा आपको, ठीक है, क्लियर है। देखो शिराएं और धमनियाँ, फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं, ये बारीक होती हैं, ये मोटी होती हैं, ये पतली लचीली दीवार वाली होती हैं, ये मोटी सख्त दीवार वाली होती हैं, ये त्वचा के ऊपर ही आपको दिखाई देंगी, ये मांस के अंदर धंसी हुई दिखाई देंगी। इनमें अशुद्ध रक्त यानी कि बिना ऑक्सीजन वाला रक्त बहता है, इनमें शुद्ध रक्त यानी कि ऑक्सीजन युक्त रक्त बहता है, ठीक है ना। अब इनमें अशुद्ध रक्त है, ऑक्सीजन नहीं है इसमें, सिराओं में ऑक्सीजन नहीं होती है, तो ये नीले रंग की दिखाई देती हैं। ब्लड में अगर ऑक्सीजन नहीं है तो वो ब्लड आपको नीले रंग का दिखाई देगा,
इसलिए शिराएं आपको नीले रंग की दिखाई देंगी। धमनियों में ऑक्सीजन युक्त रहता है, ऑक्सीजन कोटेड ब्लड फ्लो करता है, इसलिए आपको ये लाल रंग की दिखाई देती है। सुने लविश, ठीक है ना? ये लाल क्यों है? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन है। ओके, इसमें झटके के साथ बहता। अच्छा, अब इसमें झटके के साथ क्यों बहता है धमनियों में? कीर्ति बताएं आप, धमनियों में जो ब्लड है वो झटके के साथ बहता है, क्यों बहता है झटके के साथ? ना ना, वो फाइनली हार्ट जब पंप करता है ना बॉडी को, देख रहे ना आप, ये बायां नील है, बायां नील देख रहे, फाइनली जब ये चिपकता है और तेजी से जब फ्लो करता है बॉडी को तो झटका लगता है। उस झटके को सहने के लिए आपकी धमनियों में जान होनी चाहिए, इसीलिए धमनियाँ मोटी होती हैं और सख्त दीवार की होती हैं। इसीलिए जो ब्लड प्रेशर होता है धमनियों का वो ज़्यादा होता है और सिराओं का कम होता है। सिराओं में धीरे धीरे रिसता है ब्लड, है ना, सिराओं में धीरे धीरे, ये जो आप देख रहे हैं ना, मैंने लिखा है महाशिराएं, ये जो सिराएं हैं ना, ये पूरी बॉडी से स्लो स्लो करके, एक ही स्पीड से स्लोली पूरी बॉडी से ब्लड को लेकर के आ रही हैं, और फाइनली जो पंप हो रहा है वो बायां नील से झटके के साथ पूरी बॉडी को पंप हो रहा है, और पंप हो रहा है धमनियों में, इसलिए धमनियाँ मोटी होती हैं और सख्त होती हैं ताकि वो फटे ना, इसीलिए धमनियों में बीपी भी ज़्यादा होता है। डॉक्टर स्टेथोस्कोप से जो ब्लड प्रेशर नापता है ना, देखते ना कपड़ा नापता है, अब तो डिजिटल मशीन आ गई है, कपड़ा नापता है, फिर फुसफुस फुसफुस करता है, सही बीपी की रीडिंग जो देती है वही पुराने ज़माने की पारे वाली मशीन देती है, जो डिजिटल मशीन जो है वो सही रीडिंग नहीं देती है। ध्यान रखना, ये जितने भी ऐप्स ऐप आ रहे हैं ना, ये जितने भी चिप बेस हैं, ये सही रीडिंग नहीं देते हैं। शुगर जाँचने वाली मशीनें होती हैं वो सही जो है कि रीडिंग नहीं देती हैं, सही रीडिंग वही ब्लड लेके जाओ लैब में, उससे चेक कराओ। तो खैर, तो वो जो स्टेथोस्कोप यहाँ लगाता है ना, यहाँ पर स्टेथोस्कोप लगाता है, तो वो धमनी पे लगाता, धमनी में बहने वाले लबडब या धमनी में बहने वाले जो धड़कन है या पल्स है ना, उसकी आवाज़ वो सुनता है डॉक्टर। खैर, समझ गए ना धमनी? अभी जब इसका सर्कुलेशन सिस्टम पढ़ाऊँगा ना तो मैं आपको और बताऊँगा, ठीक है? ये बातें हो गई। अब फाइनली हम लोग पढ़ेंगे कि हमारी बॉडी में ब्लड जो है वो फेफड़ों से हार्ट से, हार्ट से बॉडी में किस तरह से घूमता है, इसकी बात करेंगे हम अपने नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।